की जिस तरीके से 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर पॉकेट मारी की है, डाका डाला है, ये प्रधानमंत्री चौकीदार चोर ही नहीं डकैत है, महा ठग है। अरे शर्म कीजिए, दलोनी कीजिए ना, घगरा चोली पहन के, पैरों में पैजाब पहन के आप जैसे दलाल पत्रकारों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। रेलवे के किराया देता आशा दी हो, हिंदू समाज के लोगों को समझना होगा। अब भाजपा के नेता जय श्री राम का नारा ले लगाकर क्यों नहीं जाते हैं हिंदुओं को ऑक्सीजन देने, क्यों नहीं वैक्सीन देने जाते, क्यों नहीं हिंदू समाज के लोगों को। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। इस वीडियो में लेके चलता हूँ अपने भाई, अपने सहयोगी, फेलो एक्टिविस्ट पंकज प्रकाश श्रीवास्तव की ओर। पंकज प्रकाश श्रीवास्तव को टाइम्स एक्सप्रेस वाला इंटरव्यू कर रहे हैं और पंकज प्रकाश श्रीवास्तव देश की मौजूदा हालात पे, मोदी जी की इनकॉम्पिटेंस पे अपनी प्रतिक्रिया बयान कर रहे हैं। बिना समय नष्ट किए सीधे लेके चलता हूं पंकज प्रकाश श्रीवास्तव की ओर। जिस तरीके से 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर पॉकेट मारी की है, डाका डाला है, ये प्रधानमंत्री चौकीदार चोर ही नहीं डकैत है, महा ठग है। अरे शर्म कीजिए, दलोनी कीजिए ना, घगरा चोली पहन के, पैरों में पैजाब पहन के आप जैसे दलाल पत्रकारों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। रेलवे के किराया देता आशा दी हो, हिंदू समाज के लोगों को समझना होगा। अब भाजपा के नेता जय श्री राम का नारा ले लगाकर क्यों नहीं जाते हैं हिंदुओं को ऑक्सीजन देने, क्यों नहीं वैक्सीन देने जाते, क्यों नहीं हिंदू समाज के लोगों को स्वास्थ्य। रटना पराया माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी, जिस तरीके से 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर पॉकेट मारी की है, डाका डाला है, ये प्रधानमंत्री चौकीदार चोर ही नहीं डकैत है, महा ठग है। अरे शर्म कीजिए, दलोनी कीजिए ना, घगरा चोली पहन के, पैरों में पैजाब पहन के आप जैसे दलाल पत्रकारों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। रेलवे के किराया देता आशा दी हो, हिंदू समाज के लोगों को समझना होगा। अब भाजपा के नेता जय श्री राम का नारा ले लगाकर क्यों नहीं जाते हैं हिंदुओं को ऑक्सीजन देने, क्यों नहीं वैक्सीन देने जाते, क्यों नहीं हिंदू समाज के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराते। जागो हिंदू, जागो हिंदू धर्म, बचाओ भाजपा, भगाओ ये मोदी की सरकार, जानबूझकर हिंदुओं को बलि का बकरा बना। हिंदुओं को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हिंदुओं को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हिंदुओं को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा, हिंदुओं को दवाइयां नहीं मिल रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदुओं को सताया जा रहा, हिंदुओं को लूटा जा रहा, हिंदुओं के घर में डकैती जाली डाली जा रही है। आज जो गंगा में लाशें फेंकी गई है, क्या ये माँ गंगा का सफाई अभियान है? आपको शर्म नहीं आती है? आपसे पत्रकारों को लगातार कहते थे माँ गंगा बुला रही है, माँ गंगा बुला रही है। आज रियल में माँ गंगा नरेंद्र मोदी जैसे निकम्मे प्रधानमंत्री, महानीच प्रधानमंत्री, मौतों के सौदागर प्रधानमंत्री देख रहे हो। 6 महीने हो रहे हैं, आज हिसार में भी जो है किसानों ने जो 16 तारीख को जो वहां पर जो किसानों का और पुलिस के बीच में जो संघर्ष हुआ था, कट्टर साहब आए थे वहां पर उद्घाटन करने के लिए, एक अपनी बात कही गई है। कैसे मानते हैं किसानों की जीत हुई है? देखिए, ये भाजपा पूरी मदारियों की पार्टी है। हाँ। और इसमें अलग अलग तरह के नमूने हैं। हाँ। इसमें भालू से लेके सांप से लेके बिच्छू तक, जिन लोगों का काम सांप बिच्छू पकड़ने का था, जिनका काम जंगलों में जाप करना था, वो लोग आज सत्ता में बैठे हैं। जो लोग, आप समझिए, देश के प्रधानमंत्री लगातार कहते थे माँ गंगा बुला रही है, माँ गंगा बुला रही है, आज रियल में माँ गंगा नरेंद्र मोदी जैसे निकम्मे प्रधानमंत्री, महानीच प्रधानमंत्री, मौतों के सौदागर प्रधानमंत्री, एक नंबर का घटिया और निर्लज्ज बेशक। मोदी जी तो सुन लीजिए, मोदी जी तो सरकार की तरह बात सुन लीजिए। आज जो गंगा में लाशें फेंकी गई है, क्या ये माँ गंगा का सफाई अभियान है? आपको शर्म नहीं आती आप जैसे पत्रकारों को? आप फिर सुनिए, हिंदू खतरे में है, हिंदू का अस्तित्व बचाना आज जरूरी है, हिंदू समाज को नींद से जागना होगा। नरेंद्र मोदी जी ने राम नाम रटना पराया माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी, जिस तरीके से 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर पॉकेट मारी की है, डाका डाला है, ये प्रधानमंत्री चौकीदार चोर ही नहीं डकैत है, महा ठग है, ये लुटेरा है। अरे सर, फिर मर्यादा, मर्यादा के चक्कर में ही तो देश गर्त में ढकेल गया। आपको मर्यादा उस दिन नहीं दिखा क्या? प्रधानमंत्री जिस तरीके से ताल ठोक के 18 अप्रैल को कह रहे थे कि रैली में इतनी भीड़ उमड़ी है, और 21 तारीख को घर रैली आंसू बहा के 99,222 करोड़ रुपया। आपको संवेदना नहीं दिख रही है मोदी जी की? संवेदना नहीं, बिल्कुल संवेदना, ये 8 बार रोया है,
सात साल के कार्यकाल में 8 बार घड़ियाली आंसू बहाया है। जिस तरीके से मगरमच्छ रोता है तो लोग ये सोचते हैं कि मगरमच्छ रो रहा है, ये मगरमच्छी आंसू। आज समझिए, आज जब देश में कोरोना का संज्ञान लेना था, ये महानीच प्रधानमंत्री रैलियां पर रैलियां कर रहा था। सर कर रहे थे, नहीं लेना। ये शासन सत्ता किसके हाथ में है? विपक्ष के हाथ में है। अरे दलालों भाइयों ने, देश के मीडिया के लोगों ने देश को गर्त में ढकेल दिया। आज देश की जो स्थिति है, हर घर में शमशान है। आपको पता है क्या आप उन बच्चों के पिता को ला के दे सकते हैं? क्या आप उन बहन बेटियों के जिनके सुहाग गुजरे हैं, क्या उनका आप सुहाग ला के दे सकते? संवेदना तो तब व्यक्त होती जब महंगाई पर, बेरोजगारी पर आज रो रहे होते। किसानों सब्सिडी दी खाद पे, 700 रुपया DAP पर 50 किलो पर बढ़ा दिया, वो नहीं दिखा? डीजल पेट्रोल के दाम दोगुना हो गए, आपको नहीं दिखा? आप उसको भी देखिए, समझिए। देश में जो इस समय जो आदमी कहता था कि हम चौराहे पर खड़ा कर देना, वो आदमी TV पर आकर रोकर चला गया। हम जब बच्चे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, अरे सुन लीजिए ना, ईमानदारी ईमानदारी, सारी चीज़ ईमानदारी से हो रहा है तो देश का अर्थव्यवस्था गर्त में क्यों जा रहा है बताइए ना? पूरी दुनिया में डाउन जा रहा है। क्या डाउन में जा रहा है? जब पूरी दुनिया में सुनामी थी, PV नरसिम्हा राव के समय मंत्री थे, उस समय देश की क्या स्थिति थी? जब 2014 से पहले भारत विश्व की तीसरी शक्ति थी, उस समय देश की क्या स्थिति थी और उस समय वर्ल्ड में क्या स्थिति थी? ये तमाम बातें देखने की बात है। अगर रोना है, अरे सुनिए ना, रिपोर्ट आई। आप एक बात बताइए, आप देश के लोग गए हैं आप अस्पतालों में जायजा लेने? आप लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है। आप लोग हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान इसी पर जय श्री राम, गौ मूत्र गोबर इसी पर रहेंगे। आप लेडिंग हार्डिंग अस्पताल और राम मनोहर लोहिया जैसे अस्पताल, एम्स जैसे अस्पताल बंद हैं। जो लोग शुगर के मरीज हैं, जिनको इंसुलिन लेते हैं, जिनको दवाइयाँ लेनी हैं, रोजगार बंद हैं। डाइटिशियन कहता है कि आप ये डाइट चार्ट के हिसाब से डाइट लीजिए। जब रोटी खाने के पैसे नहीं हैं तो डाइट कहाँ से लेगा, दवाइयाँ कहाँ से लेगा? जब देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है तो हज़ारों किलोमीटर दूर उन गाँवों की क्या स्थिति है, आपने कभी देखा? आपने DMCH जाके देखा? आज़ादी के समय जब वो अस्पताल खुला था, आज किस स्थिति में है? आप PMCH NMCH का स्थिति देखा? आप देश में किसी भी जिले किसी भी अनुमंडल का स्थिति देखिए, लोग घूट घूट कर मरने को विवश हैं। ये सवाल इसीलिए, अगर हालात खराब है तो उस पर सकारात्मक टिप्पणी करनी चाहिए। आप जो है बिल्कुल इस तरह से कर रहे हैं तो सारे सर्जिकल सामग्री बाहर के देशों को बेच दीजिए, हैं, सारे ऑक्सीजन बाहर के देशों को बेच दीजिए, सारी वैक्सीन बाहर के देशों को दे दीजिए। अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा लिए, शर्म नहीं आती आप लोगों को? देश बदनाम कर रहे हैं आप लोग। हम लोग देश बचाने की बात कहते, नदी में बहती लाश ने शमशान की लाश से पूछा, मरे हो या मारे गए हो? दूसरी लाश ने बताया, हमें विकास का सपना दिखाया गया और नफरत की घुट्टी पिलाई गई, हम शहीद हुए हैं। कांग्रेस से मिले हुए आप? हमने TMC का प्रचार किया बंगाल में। आपने देखा होगा कि हमने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का प्रचार किया। तो इसमें और बात, आप BJP की भाषा बोलते हैं, अगर आपके घर में कुछ हो, कांग्रेस ने किया। आपने एक बात बताइए, गांधी जी वो पहन लिया, सुभाष चंद्र बोस की टोपी पहन ली, रविन्द्रनाथ टैगोर की दाढ़ी बढ़ा ली, सबका सकल सूरत कर लिया, तो भगत सिंह वाला फंदा क्यों नहीं पहन लेते? हिटलर जब तक जो भी करता, हिटलर वहाँ जर्मनी के लोगों को लगता देशभक्ति, और वो असल में राष्ट्रद्रोही था। ये बातें आपको नहीं दिखती? आप उस चीजों को देखो ना। जो किसानों का मुद्दे पर बात कर लेते हैं, किसान जो है 26 तारीख को जो है 6 महीने पूरे हो रहे हैं, और आप तो शुरुआत के दिनों से जो है लगातार सरकार को घेर रहे हैं, कितनी कामयाबी आप मानते हैं? काले झंडे दिखाए जाएंगे तो सरकार पीछे हटेगी? 100% पूरा देश किसानों के साथ है। भारत की 70% आबादी कृषि पर आधारित है, भारत कृषि प्रधान देश है, और पूरे भारत को 26 तारीख को अपने अपने घरों पर विरोध स्वरूप सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ काला झंडा लगाना चाहिए। ठीक है, साहब कह रहे हैं 2024 तक आंदोलन चलेगा, तो मकसद क्या है? BJP को हटाना है, कानून वापस कराना है? आप क्या कहना चाहते? आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे। आप लोगों के डर से भले मानुष बाहर नहीं निकल रहे, इतनी त्रासदी होने के बाद आप ये बात अन्ना हजारे से क्यों नहीं पूछते?
कि 7 साल से चुप और मौन क्यों हैं? ये बात आप हेमा मालिनी सनी देओल फिर वही बात, हम जो पूछते हम पूछ के आए, वो पलटी मारे वो भरवा पलट गया तो उसका क्या बात? सनी देओल, हेमा मालिन, शरीखे लोग, धर्मेंद्र शरीखे लोग, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जैसे लोग आज क्यों नहीं बोलते? आज अनुपम खेर जैसे लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछते? आप पौने दो आँख वाला बाबा रामदेव से सवाल क्यों नहीं पूछते? क्या यही हिंदू धर्म की बात है? जो लोग हिंदू धर्म की बात कह रहे थे, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में एक संस्कार अंतिम संस्कार है और हमारे लाशों को गंगा लाभ कराया जा रहा है, मरने के बाद कुत्तों और चीलों के लिए छोड़ा जा रहा है, माँ गंगा को दूषित किया जा रहा है, जो मछलियाँ उन लाशों को खाएगी जल प्रदूषण होगा, गंगा किनारे बसे हुए शहरों के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे, जो मछलियाँ उन लाशों को खाएंगी, जो जानवर उन लाशों को खाएंगी, जो लोग मछलियाँ खाते मछलियों के द्वारा कोरोना का संक्रमण होगा। फिर वही बात, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, बिहार में भाजपा की सरकार, उत्तरांचल में भाजपा की सरकार, तो क्या सरकार को संज्ञान नहीं लेना था? आप बताइए। चलिए, अभी एक आंकड़ा सामने आया कि जो है बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय में भारत से आगे निकल गया है। बिल्कुल, भारत से खुशहाली में नेपाल आगे है, भारत से खुशहाली में बांग्लादेश आगे है। हमारी अर्थव्यवस्था और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, वहाँ का उम्मीद है कोरोना के बाद हम लोग पटरी पर लौटेंगे। बिल्कुल नहीं, जब तक नरेंद्र मोदी जी रहेंगे भारत के प्रधानमंत्री, ये भारत के जल्लाद प्रधानमंत्री, भारत के लुटेरा प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के भस्मासुर प्रधानमंत्री, ये जानबूझकर MS गोवलकर के सिद्धांतों को मानते हुए, MS गोवलकर की किताब पढ़िए बी आर आवर नेशनहुड, उसमें साफ लिखा है नहीं मिल रहा हिंदुओं को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा, हिंदुओं को दवाइयाँ नहीं मिल रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदुओं को सताया जा रहा, हिंदुओं को लूटा जा रहा, हिंदुओं के घर में डकैती जारी रही है भाजपा की सरकार के द्वारा। आप एक बात बताइए, DAP खाद पर 50 किलो के बोरे पर 700 रुपया बढ़ गया, कम कर दिया सरकार ने, सब्सिडी तो दिया है। अरे शर्म कीजिए, दलाली कीजिए ना, घगरा चोली पहन के पैरों में पैजाब पहन के आप जैसे दलाल पत्रकारों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। रेलवे के किराया बेतहाशा वृद्धि हो गया, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर, फिर वही बात, कितने बेशरम हो आप, 500 रुपये 700 रुपया बढ़ा दिए, अब 50 रुपये कम कर दिए आप, 10 रुपये, अरे सुन लीजिए, पूरा वापिस ले लिया तो कोई क्यों किया? आप एक बात बताए, गन्ना किसानों को 2 साल से पेमेंट नहीं मिल रही, कितने पड़े हुए हैं कूपन? BJP की तरह लेट होता था तो कहला कहते थे घाघरा चली नाच के कि 14 दिन में हमारी छलकाल बनेगी, तो बाल में फ्री बिहार में फ्री वैक्सीनेशन की बात कह के आए तो क्यों नहीं करवा रहे? बंगाल में इतना रोड शो कर रहे थे तो कोरोना में क्यों नहीं जा रहे रोड शो करने? ये बात हिंदू समाज के लोगों को समझना होगा। हाँ जी, तो ये थे मेरे मित्र फेलो एक्टिविस्ट पंकज प्रकाश श्रीवास्तव। मुझे पंकज भाई की जो वाणी है, जिस अंदाजे से, जिस लहजे से वो अपना मैसेज डिलीवर करते हैं, उसमें मजा आ जाता है। आई फाइंड हिम वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ओरेटर्स इन पॉलिटिकल एक्टिविज्म। हैविंग सेड दैट, जो लैंग्वेज है जो 19-20 होती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी लोगों से। ये लैंग्वेज 19-20 के चक्कर में ये लोग ये नहीं समझ पाते हैं कभी कभी कि आपकी आवाज, आपने तो बोल दी, लेकिन आपकी आवाज जिस मीडिया कर्मी को आप बोल रहे हैं उसके माध्यम से और जगह वो दुनिया भर जाएगी। जब वो दुनिया भर जाएगी तो बहुत जगह आपकी जो लैंग्वेज 19-20 होती है उस कारण से सेंसरिंग हो जाएगी। बहुत सारे आपके फुल टेप पे, आपके फुल जो आपने भाषण दिया, आपने जो बोला, उस पर एडिटिंग हो जाएगी। और बहुत जगह जहां नहीं ऐसा होगा वहां जो वीडियो है, जो आपकी बात है, वो चलाई नहीं जाएगी, सेंसर हो जाएगी या रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिस कारण से जो एक्चुअल आपका मैसेज था, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना था, वो कम हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसी कारण से हमेशा, चाहे विनय हो गए, चाहे अभी मैं पंकज भाई को कह रहा हूं, लैंग्वेज का मैं नहीं कह रहा, पंकज भाई ने कहा मर्यादा, बिल्कुल लैंग्वेज का मर्यादा वगैरह ना रखिए, मैंने तो खुद कह दिया है, मैंने डिप्लोमेसी त्याग दी है, मैंने पॉलिटिकल करेक्टनेस त्याग दी है, मैं तो खुले में कहा हूं कि पॉलिटिकल करेक्टनेस का समय नहीं रहा, क्योंकि पानी जो है सर के ऊपर से बह रहा है। लेकिन लैंग्वेज का मर्यादा पॉलिटिकल करेक्टनेस से ना कंफ्यूज किया जाए। लैंग्वेज का मर्यादा का मतलब है, अगर खुले में आप गाली देंगे तो वो चलता नहीं,
आप मुझे देख लीजिए, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ जम के, मेरे से ज्यादा वोसिफोरस खुले में क्रिटिसाइज कोई नहीं कर रहा है, लेकिन मैं क्रिटिसाइज करता हूँ बैक्ड बाय एविडेंस, और मैं लैंग्वेज में मैं गाली गलौज नहीं देता हूँ। मैं मोदी जी को हेट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि देश में 3 लाख लोगों की जो डेथ हुई है उसके जिम्मेदार मोदी जी हैं, और उनको इस्तीफा आज नहीं, आने वाले कल नहीं, बल्कि परसों दे देना चाहिए था। लेकिन मैं मोदी जी को गाली नहीं देता हूँ, मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, बता रहा हूँ मोदी जी, मैं गाली नहीं देता हूँ ना दूंगा। रेबेल को देख लीजिए, अभी भाई को देख लीजिए, गाली नहीं देते। निशांत वर्मा जी को देख लीजिए, मेरी तरह फर्मली हमेशा से, वो तो हम तो उन्हीं से इंस्पायर्ड हैं, हमेशा से वो फर्मली बोलते आए इस कॉल्ड स्पेड स्पेड, लेकिन गाली नहीं देते हैं। गाली से खराब हो जाता है आपका पूरा मैसेज ही खराब हो जाता है, मैसेज जा ही नहीं पाता है आपका, मैसेज 4 जगह जाएगा, 3 जगह रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, 2 जगह एडिट हो जाएगा, 1 जगह जहां चलाई जाएगा वहां भी शायद वो आगे जाके वो रुक जाए, या चैनल दिक्कत में आ जाए, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाए, या YouTube जो है डिलीट कर दे, Facebook डिलीट कर दे। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। आई एम सॉरी पंकज भाई, मैं लेक्चर नहीं करना चाहता, आई लव यू माय ब्रदर, आप जानते हो, लेकिन आप लोग जब भी इंटरव्यू वगैरह दो इन चीजों का ध्यान रखो। मैं मानता हूं कि विनी गाली देते हैं और खूब पॉपुलर होते हैं गाली देने से, वैसे ही जैसे कैरी मिनाटी होता है, लेकिन पॉपुलर तो मोदी जी भी हैं, अनभक्तों की आर्मी पैदा किए, तो आपको क्या उस किस्म की पॉपुलैरिटी चाहिए, या आप सही के साथ रहना चाहते हैं, बेशक 4 लोग आपको कम फॉलो करें। ये है मेरा मैसेज आपको पंकज भाई, एंड आई एम सेइंग इट फ्रॉम द हार्ट बिकॉज आई लव यू माय ब्रदर। चलिए भाइयों, ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा, और मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद और जय भारत। तो आए वो कहाँ गए? माइक वाले जा, माइक उठा लो।